शक्तिशाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं, उनका व्यापक स्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देश भर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73% लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसी महिला स्वयं सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह राशि वर्ष 2014 के पहले के 4 वर्षों में दिए गए ऋण से 2.5 गुना ज़्यादा है। देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3% खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें। मेरी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में महिला होने की वजह से उनके साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही ये फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी कमीशन दिया जाएगा। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी महिलाएं अंडरग्राउंड माइनिंग के क्षेत्र में नौकरियों के अधिकार से वंचित थी। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में भी महिलाओं को नौकरी के समान अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, बर्फबारी हो या कोई और चुनौती हो, हमारे देश के मेहनती किसानों ने दिन रात एक करके खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। डेयरी उत्पादों और मछली पालन तथा अन्य क्षेत्रों में इजाफा किया है। आप में से बहुत से सदस्यों ने गांव के जीवन और किसानों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हमारे किसान भाई हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परंपराओं के भी संरक्षक हैं। मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को फसल की लागत का 1.5 गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज़्यादा शायल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100% नीम कोटिंग भी की गई है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो,
इसके लिए देश की 1500 से ज़्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब ना हों, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देश भर में जगह जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सरकार ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के द्वारा मछुआरों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है। ये सारे व्यापक कार्य 70 वर्ष से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाएंगे और हमारे अन्नदाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गति देकर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ई गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले। वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज 1,16,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया तथा लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए। ग्रामीण भाई बहनों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचें, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना बहुत तेज़ी से की गई है। इन केंद्रों में बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप की तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 84,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 3,00,000 से अधिक हो गई है। इसमें से भी 2,12,000 सर्विस सेंटर केवल ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में डेटा का आसानी से और कम दरों पर उपलब्ध होना हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और विकास का जरिया भी। वर्ष 2014 में जहां 1 GB डेटा की कीमत लगभग 250 रुपये थी, अब वह घटकर 10-12 रुपये हो गई है। इसी तरह मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था वो भी अब आधे से कम हो गया है। पहले सामान्य उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों को अपना सामान बेचना प्रायः नामुमकिन होता था, अब सरकारी खरीद के लिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जेम की वजह से जहां एक ओर सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है, वहीं दूसरी ओर देश भर के छोटे बड़े शहरों और गाँवों के व्यापारी अपना उत्पाद